पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए नकली नोट। 3 युवकों को भी किया गिरफ्तार। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने तीनों के पास से करीब 2.5 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं, जिनमें 2,500 और 200 के नकली नोट शामिल हैं। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब तीनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि गंग नहर कोतवाली पुलिस अपने क्षेत्र में आजकल संदिग्ध युवकों पर गहराई के साथ नजर बनाए हुए है। इसी के चलते गंग नहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 युवक भारी मात्रा में नकली नोट लेकर रुड़की आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को 3 युवक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से पुलिस ने 2.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम जॉनी कुमार, अनुज प्रताप और विकास बताया है। तीनों ही रुड़की के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस तीनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मीडिया 100 न्यूज रुड़की से सुभाष गिरी की रिपोर्ट। ये 2 खुलासे हमारे द्वारा आज सिविल लाइन कोतवाली में किए गए हैं। पहले खुलासे में थाना गंगनहर से 3 आरोपी हमने पकड़े हैं, जो जाली नोट जो बनाने का काम करते थे और इसको जो है अंधेरे स्थानों पर और ऐसी जगहों पर चलाते थे जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पकड़ में ना आए और शक ना हो किसी को। तो इस संदर्भ में इनसे 2,47,500 रुपये कुल बरामद हुए हैं और ये 2,500-200 रुपये के नोट जो हैं इन्होंने नकली जो है छापे थे। इनसे जो प्रिंटर जिससे नोट छापते थे वो मोबाइल फ़ोन और ये जो अर्धनिर्मित कुछ नोट भी इनसे प्राप्त हुए। सर अब तक कितने नोट चला चुके थे? इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ समय से सक्रिय थे। ऐसे काम क्यों कर रहे थे? ये नशे के आदि थे और इनको पैसे की ज़रूरत थी और पैसे के और लालच की वजह से ऐसा कर रहे थे। बाइक कितने बरामद हुई है? जो दूसरा प्रकरण है हमारा, जो सिविल लाइन कोतवाली का प्रकरण है, उसमें लगातार जो दुपहिया वाहन की चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर जो टीम बनाई गई थी, हमारे CO अंडर ट्रेनी जो अभी थाना इंचार्ज हैं अंकित कंडारी और थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा, उनके नेतृत्व में इस टीम ने काम किया था और इसमें जो काम करने पर हमें 4 जो वाहन हैं वो बरामदगी हुई है और कुल 5 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। पकड़े गए 5 लोगों में से एक व्यक्ति जो इसमें खरीद फोक्स का काम करता था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें SSP साहब की तरफ से टीमों के लिए 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की। पहले कोई इनका अपराधिक रिकॉर्ड है? इनके इस बात की हम तस्दीक कर रहे हैं।